हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? ठीक है? उम्मीद करता हूँ सब मस्त होगी और स्वस्थ होगी। सो आइए बिना देर को है आज का रेसिपी स्टार्ट करता हूँ। आज जो रेसिपी है मेरा फ्रेंड साना पकोड़ा, और इस पकोड़ा बनाने के लिए क्या क्या सामान चाहिए और क्या क्या सामान का जरूरी है, सो आप लोग को सो आइए वीडियो स्टार्ट करता हूँ। क्या क्या सामान चाहिए इस रेसिपी बनाने के लिए मेरा फ्रेंड्स? सबसे पहले आप लोग को प्याज बारी बारी करके काट लीजिएगा, लंबा लंबा आप लोग को काटना है, ज्यादा छोटा मत कीजिएगा प्याज को। ऐसे आप लोग को प्याज को सबसे पहले काट के रेडी करना है मेरा फ्रेंड्स। ये देखिए, इतना हिसाब से आप लोग को प्याज को काट के रेडी करना है मेरा फ्रेंड्स। और देखिए, मैंने सारा प्याज को काट के रेडी कर लिया। और सबसे पहले प्याज पर आप लोग को नमक ऐड करना है। नमक ऐड करने से प्याज नरम होता है, जब आप लोग पकौड़ी छानेगा ना तो आप लोग को सुविधा होगा मेरा फ्रेंड्स, और फिनिशिंग होगा पकौड़ा। और देखिए, इस पर थोड़ा सा आप लोगों को खोआ सोडा ऐड करना है, और अभी अच्छी तरह से सेट करना है। और मैंने साना को भिगो के रखा था, आप लोग लगभग 6-7 घंटा आप लोगों को साना को भिगो के रखना है। और अभी आप लोगों को मिक्सिंग मशीन पर साना को ग्राइंड कर लेना है, और इस पर आप लोगों को अदरक लहसुन और हरा मिर्चा ऐड करना है। मैंने ढक्कन लगा दिया, और देखिए मैंने ग्राइंड कर लिया मिक्सी मशीन पर। और इस तरफ जो मैंने प्याज रखा था, वो प्याज पर आप लोगों को साना को ऐड करना है, और अभी इसी तरह से आप लोगों को मिक्स करना है, क्योंकि साना पर ऑलरेडी पानी रहता है, सो इसीलिए आप लोगों को पानी ऐड नहीं करना है मेरा फ्रेंड्स। और अभी टाइट होने के लिए क्या क्या सामान ऐड करना पड़ेगा, और सबसे पहले मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड किया है, और अभी अच्छी तरह से आप लोग को सेट करना है। मैंने मेरा बाटी थोड़ा छोटा हो गया है, सो इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके सामान ऐड कर रहा हूँ, और अभी भी गीला हो गया है मेरा फ्रेंड, देखिए गीला हो गया है, सो इसीलिए और टाइट करने के लिए मैं इस पर ऐड कर रहा हूँ बेसन। आप लोग बेसन ऐड कर सकता है, देखिए मैंने एक कटोरा बेसन भी ऐड कर दिया, और अब सेट करना है अच्छी तरह से। जितना अच्छी तरह से सेट करेगा ना, उतना आप लोग को पकौड़ा फिनिशिंग होगा। और एक कटोरा मैंने मैदा ऐड कर दिया, तीनों बराबर ऐड करना है, कॉर्नफ्लोर और बेसन और मैदा, तीन कटोरा मैंने ऐड कर दिया। और अभी अच्छी तरह से आप लोग को सेट करना है, क्योंकि साना पकौड़ा खाने के लिए बहुत टेस्टी और स्वाद होता है मेरा फ्रेंड्स। आप लोग नाश्ता पे भी ट्राई कर सकता है, और नहीं तो शाम को कुछ खाने के लिए मन होने से ये रेसिपी आप लोग ट्राई कर सकता है मेरा फ्रेंड्स, फैमिली के साथ खा के एंजॉय भी कर सकता है मेरा फ्रेंड्स। और देखिए मैंने रेडी कर लिया, ऐसे आप लोग को जितना हिसाब चाहिए उतना बड़ा साइज आप लोग बना के खा सकता है मेरा फ्रेंड्स। और इस तरह मैंने गैस को ऑन कर दिया, गैस ऑन करने के बाद एक कढ़ाई बैठा दिया, और कढ़ाई पर सबसे पहले ऑयल ऐड करना है, क्यों मैं रिफाइंड ऑयल ऐड किया हूँ। और ऑयल गर्म होने के बाद आप लोग को पकौड़ी को एक एक करके ऐड करना है, और वन बाई वन करके मैंने ऐड कर दिया, देखिए। ऐसे आप लोग को एक एक करके पकौड़ा को ऐड करना है, और ज्यादा स्टीम पर आप लोग ऐड मत कीजिएगा, ऑयल ज्यादा स्टीम पर ऐड करने से ऊपर तरफ अच्छी तरह से कुक होगा, लेकिन भी अंडर तरफ कुक नहीं होगा मेरा फ्रेंड्स, सो इसीलिए आप लोग को लो फ्लेम पर पकौड़ा को ऐड करना है। जो भी सामान हो ज्यादा स्टीम पर छोड़ने से ऊपर वाला पक जाता है, बीच वाला नहीं पकता है मेरा फ्रेंड्स, सो इसीलिए आप लोग को लो फ्लेम पर हमेशा कुक करना है। सबसे हाई फ्लेम पर कुक किया जाता है पूरी, जो खाने वाला पूरी होता है ना, वो लो हाई फ्लेम पर फ्राई किया जाता है। मैंने देखिए एक एक करके ऐड कर दिया, और अभी आप लोग को आराम से वन बाय वन करके पाल्टी करना है, क्योंकि टूट सकता है ना मेरा फ्रेंड्स। मैंने भी पहली बार ट्राई किया था ये रेसिपी खाने के लिए, और मेरा घर वाला जो फैमिली है ना, सब
बोला है, बहुत अच्छा हुआ था और टेस्टी हुआ था खाने के लिए। एक सामोस लिया है और सामोस लेके आप लोग वन बाय वन करके आप लोग पार्टी कर लीजिएगा। मेरा एक तरफ अच्छी तरह से कलर आ गया है मेरा फ्रेंड्स, और दूसरी तरफ मैंने अच्छी तरह से पाल्टी कर दिया और देखिए मेरा कलर अच्छी तरह से हो गया है। और अभी आप लोग बाहर निकाल लीजिएगा, ये देखिए कितना क्यूट कलर हुआ है, कितना सुंदर कलर हुआ है मेरा फ्रेंड्स। और आप लोग भी एक बार ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो को एंड तक फॉलो कीजिएगा मेरा फ्रेंड्स। और ये जो रेसिपी है ना, आप लोग हरा चटनी का साथ भी बना के खा सकता है, और मैं टोमेटो सॉस का साथ खा रहा हूँ देखिए। और ऐसे आप लोग टोमेटो सॉस ऐड कर दीजिएगा और अभी आप लोग सॉल्व कर सकता है मेरा फ्रेंड्स। ये देखिए कितना सुंदर कलर हुआ है और क्रिस्पी भी हुआ था और अंडे तक पका है मेरा फ्रेंड्स। जो भी रेसिपी हो आप लोग टेस्टी बना के रहना है, ठीक है हमेशा। ये देखिए कितना सुंदर कलर हुआ है। आज के लिए इतना ही है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय आय अहोम।